दीदी नीलू दीदी घर कौन छी है इहा घर छी तनी बोलाय देबे दीदी हां बोलाय दे छी ठीक छै बोलाय दे नीलू दीदी घर में छी है हां दीदी घरे में छी है एकटा भैया आन छै वेट करै ले ठीक छै दीदी आबि रहल छी प्रणाम दीदी प्रणाम भैया भैया अथिए से बात करिय अभी ठीक छै दीदी दीदी मालूम होले कि अपने बीजा अमृत बनाए के बीज शोधन करे छे हां भैया हम 2 साल से जे छे ने बीजा अमृत दे के बीज शोधन करते जे छे अपना बाड़ी में लगवै छे कैसे बनवै छे दीदी थोड़ा हमरा बताई दे छे ठीक छे भैया चलिए हम बताई दे छे ठीक छे चल दीदी बीजा अमृत जे बनवै छे एकर बनवै के की उद्देश्य छे एकर उद्देश्य यही छे भैया कि जे घर के सामान से ही बीजा अमृत के बीज उत्पाद कर ले छे बाजार से खरीदे के हमरा कोई जरूरत नहीं पड़े अच्छा दीदी जे बीजा अमृत बनवै छे बनैला से पहले हमरा एक बार परिचय अपन बताई दियो कि दीदी हमर नाम नीलू देवी छे घर भरपूरा थाना चौथम जिला खगड़िया राजा बीओ के सदस्य छी दीदी बीजा अमृत बनबै में कोन कोन सामग्री लगै छे खास सामान नहीं लगे भैया बस इतना ही सामान लगे कितने सामान लगे दीदी हाँ भैया यह से बन जाए हाँ बन जाए अच्छा केना बने छे हमरा तनी बनाए दे प्लास्टिक के बर्तन छे भैया और ये जे छे 4 लीटर पानी छे ने 4 लीटर पानी छे दीदी हां 4 लीटर पानी छे और ये भेले गाय के गोबर 1 किलो छे ये कौन गाय छे दीदी देसी गाय के देसी गाय छे दीदी और ये भेल 1 लीटर गाय के गोमूत्र मतलब यो देसी गाय के दीदी हां यो देसी गाय के और ये भ गेल 10 ग्राम चूना 10 ग्राम चूना छे ने दीदी हां और ये बगीचा के मिट्टी छे 1 मुट्ठी के चौथाई भाग बगीचा के मिट्टी छे दीदी हां बगीचा के और ये भेल जूट के बोरा और ये डंटा एगो खाली प्लास्टिक के बर्तन में भैया 4 लीटर पानी डाल दे मतलब साफ पानी कल के हां साफ पानी कल के ओए के बाद ये गौमूत्र छे ये 1 लीटर जे छे ये साफ पानी में डाल दे के छे 1 लीटर देसी गाय की ना दीदी हां सर दीदी जे देसी गाय के गौमूत्र डालिए हन एरा से की फायदा होते देसी गाय के गोमूत्र ई छे भैया फायदा कि जे ए में जीवाणु पाएल जाय छे एकरा में जीवाणु पाएल जाय छे ने दीदी ऐसे पौधा में और बीज में कीटाणु नै लगे दे छे 1 किलो देसी गाय के गोबर में डाल दे के छे भैया ई गोबर से की फायदा छे दीदी डालला से ऐसे फायदा ई है छे भैया ए में जीवाणु अधिक पाएल जाय छे भैया ऐसे जे छे पौधा में शक्ति अधिक आवे भैया ए में जे छे के चूना डाल दे के छे ई कत्ते चूना छे दीदी 10 ग्राम चूना छे भैया एकरा से की फायदा होते दीदी ई भैया पौधे में कैल्शियम के काम करे आ भैया ई बगीचा के मिट्टी छे 1 मुट्ठी के चौथाई भाग में डाले के छे दीदी बगीचे की मिट्टी काहे डालबे खेत के मिट्टी काहे डालबे बगीचा के मिट्टी में यही कारण छे कि ए में रासायनिक खाद नहीं पड़े छे और पौधा के अंकुरित करे में मदद करे छे अब भैया ई डंटा से जे छे एकरा 2 मिनट तक मिलवे के छे अभी जूट के बोरा से भैया एकरा 24 घंटा के लागी ढक के छोड़ दे के छे अच्छा दीदी जूटे के बोरा से काहे ढकबे प्लास्टिक के बोरा से काहे ढकबे जूट के बोरा आए खातिर ढकल जाय छे भैया कि जे में क्षेत्र रहै छै छेद के द्वारा जे छै बार बार जे छै गैस जितना भी रहै छै ओ निकलते रहै छै बार बार प्लास्टिक के बोरा में तो नहीं निकलते ओहि में तो छेद नहीं होय छै तो ओ से नहीं ओके बाद भैया एकरा जे छै सुबह शाम जे छै ये उघार के 2 मिनट के लागी एकरा जे छै डंटा से मिलाय दे के छै ये सुबह शाम जे मिले एकरा से की फायदा होते मिले ला से दीदी सब सामग्री मिल जेते की दीदी हाँ सब सामग्री मिल जेते से दीदी बीजा अमृत जे बने लिए एरा से की लाभ होते दीदी भैया घर के सामान से ही हम बीजा अमृत बनाए ले छिए बाजार से हमरा कुछ खरीदे ले पड़े छे
और नहीं पैसा खर्चा हो छे, जे पैसा रहे छे सब हमरा बच जाए छे, बस यह कर जे छे फायदा छे। दीदी एकरा में कोनो सावधानी भी बरते पड़ते है। एकर सावधानी यही छे भैया, एकरा छायादार जगह में ही बनवे के छे और छायादार जगह पर ही 24 घंटा रखे के छे। प्लास्टिक के बर्तन में बनवे के छे, लोहा के बर्तन में नहीं बनवे के छे और एक सप्ताह के अंदर ही एकरा उपयोग कर लेते। अच्छा दीदी, मतलब की बनवे के भी छे छायादारे जगह में और रखियो छे दीदी छायादारे जगह में और उपयोग कते मतलब सात दिन के अंदर, एक सप्ताह के अंदर करे छे दीदी ने दीदी। हां, प्लास्टिक के बर्तन में ही बनवे छे, प्लास्टिक के बर्तन बनवे छे, लोहा वाला बर्तन में नहीं बनवे छे दीदी। नहीं, सब बात पर ध्यान दे छे दीदी। सर दीदी अपने इतना अच्छा काम करे छे दीदी, एकरा लिए और सब दीदी को कोई संदेश भी दे। सब दीदी से अनुरोध है कि हम 2 साल से जे छे बीजा अमृत के जे छे ए विधि से तैयार कर रहल छे और खेत में उपयोग करे छे और सब दीदी के यही हमरा कहना है कि जे अहू सब बीजा अमृत घर के सामान से ही तैयार करियो और अपना उपयोग करियो। अच्छा दीदी, इतना जे अपने हमरा सिखेलिए बहुमूल्य समय दे के इतना अच्छा चीज, एकरा लिए अपने का बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अच्छा दीदी, अब हम चले छे, प्रणाम दीदी। प्रणाम भैया।